अरे यार इस कुत्ते को मार दिया किसी गाड़ी ने। भैया गाड़ी रुकवाना। बाबा 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 और फाइनली हम लोग एक घंटा करीबन लेट चल रहे हैं, 7:45 हो रहे हैं और मैं अभी तक मतलब तैयार हो चुका हूँ और ये मैं हल्का सा पानी पी रहा हूँ क्योंकि हम 45 मिनट लेट चल रहे हैं। मेरे को लग रहा है अप्रॉक्सीमेटली एक घंटा लेट हो जाएंगे क्योंकि मेरे को जाके नीचे सामान देखो पूरा रखा हुआ है, इधर सामान भी सेटल करना है बाइक पे। बाकी एनर्जी फुल है, सब तैयारी हो चुकी है और बस हम निकल रहे हैं। पापा इज गोइंग, ओके बाय। अरे अभी से बस जैकेट निकालना है। अब इसकी चेन कहाँ गई? चलो अभी आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, एक काम करते हैं सीधे आप हेलमेट कैंप पे मिलते हैं क्योंकि अभी मेरे को सामान वामान लगाना है। चलो बाय। राइट ऑल सेट और 8:30 हो चुके, लेट चल रहा हूँ और ओके लेट्स गेट इन एंड वी आर ऑल सेट। एक फाइनल चेक फॉर द बाइक पेपर एंड एवरीथिंग, वैसे तो मेरे फोन में है लेकिन स्टिल ऑलराइट, वी हैव गॉट एवरीथिंग ऑलराइट। सो फाइनली हाँ इट्स टाइम, बोलो हर हर महादेव। जय महादेव। ऑलराइट लेट्स गो गाइस, विश मी ऑल द बेस्ट, लेट्स गो, मूव 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 बॉयज 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 बॉयज। ओके ऑलराइट आई होप निकल जाएगी यहाँ से। निकल जाना भाई निकल जाना। ओके निकल गई। ओके मामला सेट है, हम निकल चुके हैं करीबन 1 से 1.5 घंटे लेट चल रहे हैं। 7 बजे निकलना था, 8:30 हो चुके हैं बट नो वरीज, निकल गए ना, इम्पोर्टेंट चीज़ वो है और फुल एनर्जी है। पेट्रोल अब हम हाईवे पे भराएंगे कहीं पे क्योंकि बाइक में पेट्रोल अच्छा खासा ही है। दिल खुश हो गया भाई। निकलो निकलो अभी निकलो, सिटी से बाहर निकलो, सिटी से बाहर निकलना है। सो जो आज का दिन है उसकी राइड ऐसे ज़्यादा नहीं है, ओनली 230 किलोमीटर, इसीलिए मेरे को लग रहा है मैं लेट बैक हो गया और जब मैं लेट बैक हो जाता हूँ ना तो क्या है कि मैं अपने आप से फिर आराम से निकलता हूँ तो क्या वो पाँच पाँच मिनट डिले होते 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 1.5 घंटे का डिले हो गया। हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, स्वागत करता हूँ आप सबका अपने इस चैनल में जिसका नाम है आई एम गज। आशा करता हूँ कि आप लोग कुशल मंगल होंगे और हमारे तो नाम में ही मंगल है प्रभु। तो देखो हाईवे में तो पहुंच गया हूँ लेकिन ट्रैफिक तो है यार, मतलब अगर मैं 7 बजे तक निकल जाता था ना तो ये ट्रैफिक नहीं मिलना था मेरे को और अभी तो मैं थोड़ा ही बाहर आया हूँ, मतलब अभी तो कल्याण वल्याण होते हुए निकलना है मेरे को लग रहा है मुझे। तो चलो अभी तो मस्त है, धूप एकदम फ्रंट पे है, आंखों के सामने है एग्जैक्टली, बट नेवर माइंड कम से कम निकल गए ना, बड़ी चीज़ वो है। और गजगाम ही नहीं बस अपना प्यार बनाए रखना। ओश देख रहे हो सामने भाई साहब, ओहो 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 ओहो। चलो संभल के निकालना, इजी बैग है भूलना मत ये कि तुम्हारे पास बैग है, लैपटॉप तो इजी, ज़्यादा घाय मत करो। एक काम करो हम इसी पे चलाएंगे रोड पे, हम ज़्यादा चांस नहीं लेंगे अननेसेसरी। हो कम ऑन बॉय। रमा जी आप बोल रहे कोहरा नहीं है, ये देखो कोहरा, और ये अभी सिटी में ही हूँ मैं, अभी क्रॉस नहीं किया मैंने मुंबई। हाँ गाइस ये थाने ही है और कोहरा देख रहे हो आपको सामने बिल्डिंग, और ये टाइम देखो 9:30 बजने वाले हैं तो ये हाल है। तो माउंटेन्स में क्या होगा मैं ये सोच रहा हूँ। पेट्रोल फुल करना है, हवा 25 था ना और पीछे में ज़्यादा फर्क नहीं था ना। हाँ चलेगा क्योंकि कब से नहीं भरा हुआ हवा,
कमरे में दो दो ढाई महीने से नहीं भराई। धन्यवाद दोस्त। सो इधर रुकने के पीछे मेरा एक मकसद है कि एक तो आपको दिखाऊं मैं, हमें पहनना है ये जो लास्ट टाइम जैसे हमने किया था राइड पे जाने से पहले, दिस इज न्यू ब्रेसलेट विच आई विल वेयर फॉर दिस राइड। ऑलराइट एंड हियर इट इज, सी इट्स नाइस एंड वी आर ऑल सेट एंड लेट्स गो यार। अरे भाई ओके जी ओके जी ओके जी, ये हो जाता दिन जब होता है ना तो हाईवे पे। ये देखो भाई को सोने का शौक है, श्रीदेवी ज्वेलर्स। वाह मजे मजे। अच्छा एक बड़ी कॉमन सी चीज है छोटे शहरों में, अगर आप देखो तो ट्रिपलिंग तीन लोग सॉलिड है, मतलब ऑलमोस्ट। ये देखो ये देखो ये भाई साहब भी दिख गए, मतलब ये तो है ही है ना। अरे यार इस कुत्ते को मार दिया किसी गाड़ी ने, भैया गाड़ी रुकवाना। बाबा 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 कौ हुआ दो जरा। ठीक है हाँ। अरे यार इसे लग गई है, सॉलिड लगी है। दिखा दिखा, ओ बाबा। हो वेट आई हैव टू क्लीन इट अप। ओह बॉय वेट इधर आ इधर आ, रुक जा कपड़ा ढूंढना पड़ेगा, कपड़ा गंदा, रुक जा मेरे पास है शायद। रुको। अरे यार थैंकफुली मैं कपड़ा लाया। अरे बाबा वेट वेट नो बाबू पूछ दे से लो यार, कोई क्या बेवकूफ मार के गया देखो। अरे बाबू अरे यार पूरा खून निकल रहा है इधर, क्या करें। कैसे मार के चले जाते हैं यार, क्या करो। इसके नाक पे कपड़ा भी नहीं बांध सकते ना, क्योंकि नाक पे कपड़ा बांध दूंगा तो मिट्टी लगा सकते हैं। क्या करूं बाबू, तू ठीक है। ये देख पूछ ले इस पे पूछ ले। ओके यू विल बी फाइन। ठीक है, इधर से तू उतर नहीं पाएगा खुद से, आ जा तेरे को इधर रख दूं, कम आ जा बाबू आ जा उधर। नहीं नहीं अरे बाबा इधर तो और बड़ा कांटा छटा है, आ जा। हाँ हाँ बाबू तू उधर मत जाना, तेरे कहाँ रखूं तेरे को, तू फिर रोड की तरफ भागेगा। इधर कहाँ आ रहा था तू यार, हाँ इधर कहाँ आ रहा था तू, धीरे धीरे कहाँ निकलेगा तू, चला जाना ठीक है। शिट रुक जा, देखता हूँ बिस्किट होगा तो देता हूँ, कुछ खाने को देता हूँ, रुक जा।
ऐसे मार के चला गया यार कोई। पानी देके देखता हूँ कहाँ रखा है पानी। ले पानी, अरे 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 उधर पड़ा हुआ था, ले ले। हाँ हाँ नहीं उधर जाएगा कैसे वो, ले 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 ले। कॉन्शियस है यार, इज डाइंग। ओ बाबू आई एम सो सॉरी आई कुडंट हेल्प यू। ओ बॉय ओ बॉय, ओ लुक एट हिम, ही इज वॉकिंग, ही इज गोइंग इनसाइड। सो फाइनली मैंने उसे उठा के कॉर्नर पे रख दिया यार। लेकिन यार प्लीज यार प्लीज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग जब गाड़ी चलाते हो यार, कोई भी दुनिया में कोई भी जो देख रहा हो यार, प्लीज प्लीज कम से कम थोड़ा संभल के चलाओ। और अगर गलती से मान लो लग भी गया तो बीच रोड में उसे मत छोड़ो यार। वो बेचारा छोटा सा कितने महीने का होगा यार, बीच रोड में पड़ा है और किसी को मतलब ही नहीं है यार। हद हो गई यार, इतना क्या बिजी हो गए हम अपनी लाइफ में। तो फाइनली एटलीस्ट वो चलने लगा, सो मैंने उसे कोने में रख दिया है और उधर पानी वानी है, तो आई होप ही विल बी फाइन। और कभी हुआ तो मिलेंगे दोस्त, श्योर। मेरा हीरो, यू सर्वाइव्ड, यू आर अ हीरो। ये पानी उड़ रहा है, मुझे लगा धुआं ऊपर जा रहा है ऐसा, कंफ्यूज कर दिया बे। ओ ये देखो कैसी रोड नीचे जा रही है। ओए 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 ओए, कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल, क्योंकि स्पीड ब्रेकर दे रखे हैं तो इसीलिए कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अननेसेसरी भूलना मत कि पीछे वाले बैग में, टेल बैग में लैपटॉप रखा है, मैकबुक रखा है। हाँ मैकबुक बोलना तो जरूरी था क्या काका, पुड़िया है। हाँ मैकबुक है तो मैकबुक ही बोलेंगे। अरे कक्का ये भीमा शंकर किस तरह पड़ेगा, भीमा शंकर सेम उरवा चलगांव। हां ऊपर तेरा हाईवे टोकावड़ा भीमा शंकर। ओके ओके वेलकम, ओके थैंक यू। राइडिंग कर रहे हैं? हां राइडर हेल्पलाइन अभी चेकिंग हुई। ओह गुड गुड, चैनल सब्सक्राइब करो। यस यस चैनल आई एम गज, आई एम गज, ये देखो लिखा है आई एम गज। थैंक यू, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच सर। राइट, तो ये मिल गए भैया, मदद हो गई, बता दिया। मैं तो अंदर लेने वाला था, इधर से बता दिया। और और हमारे सब्सक्राइबर भी बढ़ जाएंगे अब फाइनली, धन्यवाद भाई साहब। भूख लगनी शुरू हो गई मुझे। एक छोटा सा विलेज नहीं है, मतलब कस्बा है ये। छिटू क्या लगे तालुका, पता नहीं यार शहर का नाम ही नहीं दिख रहा मुझे तो, मतलब इस जगह का। बांगर हर्षद, सबके नाम, लोगों के नाम दिख रहे हैं पर जगह। किन्हावली किन्हावली किन्हावली। और मुझे आ रही है नींद से यार, दोपहर को राइड करने से थोड़ा ना सूरज रहता है ना तो ऐसा ऐसा रहता है। अरे भाई भीमा शंकर हियर, शॉर्टकट है पर रास्ता सही है। रास्ता सही है लेकिन तुमको समझना पड़ता है बस। समझना मतलब क्या समझना पड़ता है? टेढ़े मेढ़े से कोई दिक्कत नहीं है मुझे, लेकिन रास्ता सही है ना, चलेगा। शॉर्टकट मिलेगा डायरेक्ट वहां से जाते जाएगा, सीधा 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 निकलना है। तो ये एक नया शॉर्टकट बता दिया गया है, देखते हैं। पूरा आधा टेढ़ा रास्ता है तो कौन सा अपने को तेज जाना है, स्पीड लिमिट कंट्रोल करते हुए चलेंगे। अरे यार वो उन लोगों की बात मान के ना मैं ज्यादा ही जोश में आ गया कि शॉर्टकट है, पर ये तो अच्छा खासा घुमा रहा रास्ता।
मतलब घुमा क्या रहा है। कहाँ जा रहे हैं मुझे खुद नहीं पता। अब बस चलते जा रहे हैं, पहाड़ी ये सब पहाड़ पे हैं गांव बसे हुए, तो उसी को फॉलो करते हुए निकलते जा रहे हैं। आई होप बस हम सही जा रहे हों, वरना अपने तो लग गए। नहीं सही जा रहे होंगे, यहाँ एक ही रास्ता और कोई रास्ता है नहीं। पूछ लेते फिर भी, मैं नाम भूल गया, ले मोसई मोगई कौन सा रहा यार, अरे यार मैं नाम भूल गया, ले किस जगह जाना था आपको, मोजागी मोगो, अरे भाई पता नहीं यार। अभी मेन जंगल के बीचों बीच से जा रहा हूँ, एकदम ये घना जंगल है। ट्रिप आई थी यार एकदम, मतलब कंफ्यूजन हो गई थी मेरे को रास्ता कहाँ है। ओह शिट, क्योंकि मेरे को लग रहा है ये नींद आ रही है, उस वजह से भी हो सकता है, और ये बहुत छाए और धूप आ रही है ना, तो आंखों पे थोड़ा सा वो कर रहा है, तो इसीलिए ज़्यादा स्पीड में नहीं जा सकते भैया। ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं रेगिस्तान में हूँ और मेरी आँखें ना बंद हुई सी जा रही हैं। मतलब बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रही है लाइट, बाउंस आ रही है ना, एक तो पेड़ पौधे नहीं है तो और वो आँखों पर लग रही है। लेकिन व्यू तो ज़बरदस्त है, अग्री और नॉट अग्री, व्यू सॉलिड है, सॉलिड व्यू है, और रोड भी सॉलिड है यार ये पूरी। मैं सोच रहा हूँ बरसात में कैसे ग्रीन ग्रीन हो जाता होगा ना पूरा। भीमा शंकर के लिए है, पीछे से कहाँ से, तो अभी कहाँ जाऊँ, कितना पीछे जाना पड़ेगा, मैं वहीं से तो आ रहा हूँ। मरोशी, मरोशी से कहाँ है, यही रास्ते है मरोशी जाने के। ओहो ऐसे वो चढ़न के नीचे ऐसा यूटर्न लिया ना। हाँ अच्छा यूटर्न नहीं लेने का था, अरे यार चलो मेरे को लग रहा था कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। चलो कितना आगे है, 10 किलोमीटर गए ना तुम्हारा पीछे। हाँ तो जो यूटर्न मारा वो यूटर्न नहीं मारना, वो सीधा निकल जाना है ना, डायरेक्ट घाट में ही निकलता है वो। अच्छा अच्छा चलो ओके ओके थैंक यू। ये अलग पंगा चल रहा है यार, अरे यार हम लोग ये मालशेज घाट चढ़ रहे हैं, बहुत सॉलिड चढ़ाई है भाई, मतलब जबरदस्त चढ़ाई है। ओहो बस भी देखो कैसे चला रहे हो, बेटे उड़ा रहा है एकदम बस भाई। और यहाँ चेक पोस्ट लगी हुई है, पता नहीं किस लिए, शायद हेलमेट हेलमेट का है। सही है यार पुलिस वाले भी सही होते हैं। दिलीप कुछ याद आ रहा है, अरे वाह यहाँ पे, यहाँ भुट्टे वाला है, रुकता हूँ कुछ खा लेता हूँ, एक काम करता हूँ भाई मैगी बनाओगे, बना दो यार। यहाँ पे खड़ी करते हैं, छाए हैं इधर। राइट सो फाइनली एक छोटा सा ब्रेक लिया मैंने, ले ही लिया आखिर में। गर्मी बहुत है लेकिन हो गया, बन भी गया, वाह मैगी भी बन गया अपना, तैयार हो गया मैगी, लाओ तो मैगी खाते हैं, आपसे बात करते हैं मैगी खाते खाते। मीठे में क्या, नींबू पानी है ना, बना दो यार एक नींबू पानी, मीठा है ना। मैगी खाई है, अभी नींबू पानी भी पी रहा हूँ, तीखी थी मैगी भाई, पता नहीं थकान सी हो गई मेरे को लग रहा है, एक्स्ट्रा वो मेरे 40-50 किलोमीटर हो गया।
और वो उस जगह ना लग गए। अब देखते हैं यहाँ से भीमा शंकर कितना पड़ेगा। 110 किलोमीटर है भीमा शंकर यहाँ से, यानी कि ढाई घंटे, दो घंटे ढाई घंटे मान लो, तीन घंटा पहुँच जाएंगे यार, टेंशन नहीं है, पहुँच जाएंगे, आराम से पहुँचेंगे। दिलीप तेरे दोस्त लोग मिल गए। हेलो, हाँ कुछ खाना है? दे, ए नहीं पकड़ पाया, ले शाबाश, ले अबे भाग रहा है, ले अरे यार कैच नहीं, इनको क्रिएट प्रैक्टिस करानी पड़ेगी तुम लोगों को। चलो 1 2 ओए इधर देख, ये ले, ये कौन लेगा? अबे मुंह कैसा भर लिया है, ले ये ले। अरे यार मैं भी तो गलती थी, अरे नहीं 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 रुको, ये ले, वाह शाबाश, अबे यार शाबाश। तो खिला दिया बंदरों को, अब ये बंदर भी निकल रहे हैं यहाँ से, और दो बंदर और हैं, ये दो बंदर भी हैं, ये एक बंदर है सबसे बड़ा बंदर, सब बंदर ही तो थे यार हम लोग पहले, है कि नहीं, अब इंसान बन गए। तो बस अभी निकल रहे हैं, 110 किलोमीटर है कुछ, बात करता हूँ आराम से। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, स्वागत करता हूँ आप सबका अपने इस चैनल में जिसका नाम है आम गज। आशा करता हूँ कि आप लोग कुशल मंगल होंगे, और हम हमारे तो नाम में मंगल। मेरे पीछे कुछ वानर सेना बैठी हुई है, तो क्योंकि हम इस जंगल में हैं तो यहाँ पे वानर हैं बहुत सारे, वानरों ने श्री राम की हेल्प की थी, अब मैं तो श्री राम हूँ नहीं। तो ये रहा दिलीप, यहाँ पे तो चढ़ा था मेरा ख्याल है, यही ये, हाँ ये इधर ऊपर चढ़ा था, लेके आया था भाई। ओके सो फाइनली राइड अगर शुरू कर दिए फिर से, और मेरे कैमरे की बैटरी 29% है, वैसे मेरे पास एक एक्स्ट्रा बैटरी है लेकिन देखते हैं कितना चलती है। बाकी अब 110 किलोमीटर तो हम प्लान कर रहे हैं नॉन स्टॉप ही चलने को बिना किसी स्ट्रेस के, तो वी आर ऑल सेट। और बाकी आप नज़ारे देखिए मलसेज घाट के, मज़े लीजिए। फ़ोन वोन सब रख लिया है, होपफुली क्या रख ही लिया है यार, व्यू क्या है भाई, क्या व्यू क्या चाहिए बताओ इधर, और इतना खूबसूरत व्यू है, इतना खूबसूरत हद हो गई। जब बरसात होती है ना तो इधर पानी गिरता है, टप 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 टपाक, टप 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 टपाक, मतलब हद हो गई यार, खूबसूरती की भी हद है यार। ओहो जब बॉडी में खाना जाता है ना, अनाज जाता है ना, तो एक अलग ही ऊर्जा आ जाती है, ऊर्जा। और ये रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है यार। ओहो खीरे वीरे भी हैं यार, ये भी अच्छी जगह है, ये हनुमान जी का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, नहीं शिव जी का भाई। और ये हम निकलेंगे अब गुफा के अंदर से, और भाई फोटो खींच रहा है, और ये टू 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 इटर, ओहा ये होगा विजुअल ज़बरदस्त, चेक दिस आउट। यहाँ देखो यहाँ पे सीन चल रहा है बंदरों को खिलाने का, रुक रुक के बंदरों को खिलाया जा रहा है, अरे दरवाजा लाओ, खिलाओ खिलाओ, खाओ 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 खाओ, जय हनुमान जय हो। ऑलराइट, और फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे, यही है भीमा शंकर, और अब मुझे देखना पड़ेगा इधर रहने की क्या व्यवस्था है। ये लास्ट यहाँ का बस स्टॉप है, सो आई प्रॉब्ली विल नीड द पार्किंग, ये पार्किंग केस में क्या अंदर, ना ना मुझे कुछ पूछना है, सुनो तो इधर पे रहने का कहाँ है, रात रुकने का है ये, अच्छा अच्छा चलो धन्यवाद, आता चलो हनिकेत यहाँ पे लॉज है, तो रात को यहीं पे रुकूंगा मैं, फिर देखते हैं क्या करना है। ये रहा लॉज, इधर बातचीत करते हैं, निपटाते हैं, क्या हिसाब किताब रहेगा देखते हैं। बंदर तो है भैया इधर,
बहुत देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा बंदरों को. Look at them. भाई तो इधर तो बड़ा संभल के ही रहना पड़ेगा.